A very good morning guys. Now once again here comes Saurav Kumar और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स. कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है. और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है कंप्यूटर, वो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं. तो मैं एकदम बिल्कुल से शुरुआत से शुरू करूँगा और आपके लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा ताकि आप लोग उसको कहीं से भी ना भूलें. मेरे क्लासेस हमेशा बहुत ही लाभदायक होते हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं. तो आपके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स. और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि आखिर कंप्यूटर है क्या. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से कि कंप्यूटर किसे कहते हैं. तो उससे पहले कि कई सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो एब्रिविएशन है उसको हम लोग मैंने लिखा है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. तो टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च में ये जनरली यूज़ होता है. इसलिए इसको एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर इसको आपने एक लाइन में लिख दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. ये भी कंप्यूटर का एक छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा. पर इसमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये इससे नहीं पता चलेगा. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंप्यूटर को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो जनरली कुछ नहीं समझते बल्कि क्या समझते हैं? बाइनरी नंबर समझते हैं. क्या समझते हैं? बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स समझते हैं. और ये बाइनरी नंबर्स जो हैं वो आपका क्या होते हैं? ज़ीरो एंड वन. ये आपका बाइनरी नंबर्स को ही समझते हैं. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइनरी नंबर को समझता है. और कंप्यूटर बेसिकली आपके लिए ऐसे डिवाइस हैं जिसके थ्रू हम लोग एज अ यूज़र इसको इनपुट देते हैं. क्या करते हैं? उसको एज अ इनपुट देते हैं जिसको कि वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हमें देता है. तो इसका जो सही डेफिनेशन होगा वो आप लोग, जो आप लोग के एग्जाम में कभी अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input from the user and processes it processes it and gives the result as output. ये आपका सही डेफिनेशन है. ये आपका सही डेफिनेशन है. आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका लिखना आपको सही नंबर देगा. सबसे बेहतर जो आपका डेफिनेशन है वो यही है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनपुट देते हैं. हम लोग कीबोर्ड देते हैं ना, कीबोर्ड से कुछ कुछ लिखते हैं तभी तो वो आंसर देता है. तो जो हमारा कीबोर्ड से, माउस से जो भी हम कुछ देते हैं वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, उसके बाद उसके लिए सही उत्तर ढूंढता है और आपके पास रिजल्ट लेकर आता है. तो जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, और वो लोग जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर को नहीं भी देखे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग कंप्यूटर को देखते ही हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो गांव घर से बिलोंग करते होंगे, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी शायद मुश्किल से पहुंचती है, तो कंप्यूटर देखने के लिए तो लोग तरस जाएंगे। तो वैसे जगहों के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कंप्यूटर किस तरीके का दिखता है। तो जनरली जो आप लोग कंप्यूटर देखते हैं वो इस तरीके का देखते होंगे। ये आपका कंप्यूटर है, जनरली ऐसा ही आपका कंप्यूटर दिखता है। ये ऐसा कंप्यूटर होता है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो है ये आपका माउस है, इसका ऐसे दिखा लीजिए, ये माउस है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका मॉनिटर है, और ये आपका सीपीयू जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू इसको बोलते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है, जहाँ पर कि आपको दिखेगा कि मैंने कुछ एरोज बनाए हैं। एरोज इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो आपका इनपुट है वो इस एरो से आपको जा रहा है, जो कि कनेक्टेड होता है सीपीयू से। जो माउस और कीबोर्ड हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वो सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो सीपीयू है उससे भी कनेक्शन आता है और कंप्यूटर को जाता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पर से ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इससे में प्रोसेसिंग होता है, काम चलता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो ये क्या है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, जिसमें कि हम लोग इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो इनपुट है वो किसी न किसी जरिए से यहाँ पे कंप्यूटर पे कंप्यूटर में दिया जा रहा है, और इसके बाद जो है यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद उसका जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे नज़र आता है या मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का जब डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो इन सारी चीज़ों को आप लिख देंगे, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। कहने का मतलब कि आप कंप्यूटर को इस तरीके से फुल फॉर्म में भी दिखा देंगे। दूसरी चीज़ कि कंप्यूटर का जो आपका डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन, वो भी दिखा देंगे। मतलब आपने एग्जामिनर को बता दिया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन ये है, और उसके बाद उसका यूज़ क्या होता है वो ये है, जो मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन में लिखा है या उसका फुल फॉर्म में लिखा है, और आपने कंप्यूटर देखा है उसका एग्जाम्पल ये ऐसा है, इसको जो है हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं वेल लेबल्ड। कीबोर्ड लेबलिंग कर देंगे, माउस लेबलिंग कर देंगे, मॉनिटर को लेबल कर देंगे, सीपीयू क्या है उसको लेबल कर देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आपको जो है मालूम है कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, और सीपीयू क्या होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का डायग्राम, और कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो है। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों के लिए जो है अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कंप्यूटर है ये काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप देखिएगा कि हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड पे कैसे टाइप करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो आपका कीबोर्ड होता है वो इस तरीके का होता है, QWERTYIOP ऐसा आपका चलते चला जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, QWERTY कीबोर्ड, क्यों, QWERTY है इसलिए। कभी ध्यान दिया है आपने कि QWERTY कीबोर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, वाई डू वी यूज सच काइंड ऑफ कीबोर्ड, व्हेन फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर लर्निंग दैट द अल्फाबेट स्टार्ट्स फ्रॉम ABC।
जबकि बचपन से हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि ए बी सी डी जो है हमारे लिए इजी है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं और हमें याद है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा होता है। अगर उस तरीके से होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन वैसा नहीं है क्वर्टी कीबोर्ड। क्यों है ऐसा, कभी आपने ध्यान दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और इधर मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों क्वर्टी कीबोर्ड ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूज में आते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि रिसर्च में पाए गए हैं कि यही बेहतर कीबोर्ड है, इससे बेहतर कीबोर्ड और दूसरा नहीं हो सकता। तो इससे बेहतर कीबोर्ड क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं ए बी सी डी हमने पढ़ा है तो उस चीज़ को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो ये उससे बेहतर कीबोर्ड होगा ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने उंगलियों के अनुसार जो भी आप सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं या वर्ड्स फ्रेम करते हैं तो दिस इज द ओनली कीबोर्ड विच हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि कीबोर्ड जो है वो क्या होते हैं, कीबोर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि ऐसे कीबोर्ड से सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे फास्ट जो है इसी से हम लोग वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं वो इन्हीं कीज के आसपास जल्दी मूव करते हैं उंगलियां और उनको जल्दी पहचान सकते हैं। तो यही रिसर्च में निकल के आया कि क्वर्टी कीबोर्ड जो होते हैं दे आर द बेस्ट कीबोर्ड थ्रू विच वी कैन फ्रेम आवर वर्ड्स इन लीस्ट टाइम, सबसे कम समय में सबसे बेहतर अगर वर्ड्स टाइपिंग करनी हो तो ऐसे कीबोर्ड्स आपको ऐसे ही कीबोर्ड से लिखनी होगी। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड से पहले क्या होता था कि कंप्यूटर नहीं थे तो टाइपराइटर हुआ करते थे। तो टाइपराइटर में भी देखिएगा तो ऐसे ही वर्डिंग्स क्वर्टी, उसके भी जो कीज होते थे वो क्वर्टी कीज ही होते थे। कहने का मतलब ये है कि आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ें मानक मानी गई है, मतलब ये स्टैंडर्ड मानक है और इसको जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कीबोर्ड ऐसा मिलता है क्वर्टी वाले और आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए तो वहाँ पे जो कीबोर्ड मिलेंगे वो ए बी सी से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब कि ये ऐसा ही कीबोर्ड जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है जिससे कम समय में सबसे ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। और ये कीबोर्ड आपको क्या करते हैं, ये कीबोर्ड जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपके लिए कीबोर्ड्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा वर्ड्स कम समय में फ्रेम तो करते ही हैं और उसके बाद ये QWERTY से ही शुरू होते हैं, चाहे आप इंडिया में लीजिए या US में लीजिए या इंग्लैंड में लीजिए या ऑस्ट्रेलिया में लीजिए, कहीं भी लीजिए आपको ऐसा ही कीबोर्ड मिलेगा। अगर ना तो आपने कभी देखा है ABC वाले कीबोर्ड, अगर देखा है तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है, कभी आपने सोचा कि यहाँ पर जो क्यू है इसको अगर प्रेस किया जाता है तो यहाँ पर अगर MS Word आपका खुला हुआ है, MS Word अगर खुला हुआ है तो इस तरीके का MS Word होता है, यहाँ पे क्यू प्रिंट हो जाता है, राइट। यहाँ पर अगर हम क्यू दबाते हैं यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कभी सोचा कि आपने यहाँ पे क्यू प्रेस किया और क्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया, आपको यहाँ पे दिखने लगा, क्यों ऐसा होता है, वाई क्यों नहीं हुआ, आई क्यों नहीं हुआ, ओ क्यों नहीं हुआ, पी क्यों नहीं हुआ, बाकी के अल्फाबेट्स क्यों नहीं हुए। तो इसका एक रीजन है, क्योंकि जहां पे हम लोग प्रेस करते हैं उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको देखा जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आउट होता है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रेस करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी कीज़ को प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जैसे यहाँ पर का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, 1, 2, 1, 2, 1 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे, तो ये एक्टिवेट होगा।
जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इसका जो आपका ASCII की जनरेट करता है। एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर्स, इट ऑलवेज यूजेस बाइनरी नंबर्स, दैट मींस 0 एंड 1। तो ये जो 0 एंड 1 की जो कहानी है वो उसके अलावे कंप्यूटर कुछ और समझता ही नहीं है। तो जब 0 और 1 समझता है तो वो 1 एंड 2 समझेगा कैसे? तो इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स में, जिसको कि हम लोग जो है ASCII नंबर्स भी बोलते हैं। तो ASCII कोड्स में ये जनरेट किए जाते हैं। क्या होते हैं? ASCII कोड्स, ASCII कोड्स, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ASCII कोड्स में सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी आपके कीज हैं, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद इसको भेज दिया जाता है CPU को। CPU में जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जाता है तो CPU उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि अच्छा, ये जो प्रोसेस किया गया है, ये 1 और 2 जो हमारे पास आया हुआ है, इसका ASCII कोड्स कुछ होगा, कुछ भी होगा, 0011100 ऐसा कुछ हो, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो है क्यू। तो भैया क्यू को प्रिंट करो। तो दिस इज द केस। तो ये सारी चीजें जो है आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है और हम लोग उसका परस्पर यूज करते रहते हैं बट हमें पता नहीं होता। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी जानकारी दी है। गाइज, आप लोग इसको पढ़ें, समझें, देखें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज, एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। थैंक यू।